तो दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और क्या है सियासी स्थिति, ये जानते हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली 70 में। दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरी सियासी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। दिल्ली के तख्त पर बैठने के लिए हर पार्टी जनता से तमाम लुभावने वादे कर रही है। फिर एक बार पिछली बार वाला भी रिकॉर्ड तोड़ना है और भारी मतों से जिताना है, अगर मैंने काम किया है तो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने 5 साल के कामकाज गिनाते हुए 2015 का प्रदर्शन दोहराने का दम भर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के सहारे कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। दिल्ली की जनता के हित भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वप्रिय रहे। लोकसभा चुनाव में बढ़े वोट शेयर के सहारे कांग्रेस भी दिल्ली में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में दिल्ली के चढ़ते सियासी पारे की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम संगम बिहार विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। दिल्ली में चुनावी शंखनाद हो चुका है, ऐसे में हम निकले हैं दिल्ली की जनता का नब्ज टटोलने के लिए। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कौन से मुद्दे चुनावी मुद्दे बनने जा रहे हैं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस पर भारी पड़ने वाली है। ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं संगम विहार विधानसभा में और आपको लेकर चलते हैं संगम विहार विधानसभा में और यहाँ की जनता से जानते हैं कि आखिरकार इस बार किन मुद्दों को आधार बनाकर वो वोट करने जा रही है। बीते 5 साल में संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में विकास की कैसी बयार बनी है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम रतिया रोड पहुंची। यहाँ पानी में डूबी सड़कें स्वागत करती दिखी। ये खुदी हुई सड़क और नालियाँ आम आदमी की मुश्किलों को और बढ़ा रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर क्या आपको यकीन हो रहा है कि आप भारत की राजधानी दिल्ली में हैं? लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संगम विहार विधानसभा में हैं और यहाँ की तस्वीरें देखिए किस तरीके की बदहाली है। सड़कों का हाल आप देख सकते हैं कि सड़कों के ऊपर पानी भरा हुआ है और जो लोग हैं वो सड़कों पर नहीं चल रहे हैं बल्कि सड़कों के किनारे किस तरीके से चल रहे हैं। बरसात का सीज़न नहीं है, बावजूद इसके अगर हल्की भी बरसात होती है तो इन इलाकों में पानी भर जाता है और यहाँ बदहाली का आलम देखिए कि सड़कें जो हैं पूरी तरीके से खुदी हुई पड़ी हैं। और मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ के केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं उनके मैं हर समय लेक्चर में कोई भी उनका भाषण होता है मैं उसमें सुनता हूँ कि वो अपने काम के ऊपर बहुत घमंड करते हैं कि हमने दिल्ली पे ये कर लिया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर उनमें हिम्मत है तो ये एक बार यहाँ आ जाए, संगम विहार के अंदर आ जाए, उनका सारा का सारा घमंड चूरना हो जाए ना तो बता एक बार आ जाए। वर्तमान में संगम विहार सीट से आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया विधायक हैं। 2015 के दिल्ली चुनाव में मोहनिया ने बीजेपी के शिवचरण लाल गुप्ता को 43,988 वोटों से हराया था। कांग्रेस उम्मीदवार विशन स्वरूप अग्रवाल तीसरे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस उम्मीदवार को इस चुनाव में महज 3,423 वोट मिले थे। साल 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में यहां 66.68% वोट पड़े थे। संगम विहार विधानसभा सीट की बात करें तो मौजूदा यहां पर जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन इस बार मुकाबला जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में संगम विहार विधानसभा सीट पर होने जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में उतनी मजबूती से लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में होने जा रहा है। दिनेश मोहनिया एक बार फिर आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। उनका दावा है कि इस इलाके में पिछले 5 सालों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर पूरे काम हुए हैं, हालांकि बीजेपी उनके दावों को सिरे से खारिज कर रही है। बड़ी बेसिक सी जरूरतें हैं जो लोग डिमांड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कभी डेवलपमेंट के नाम पर कुछ हुआ नहीं था, तो यहाँ डिमांड थी पानी की, रोड्स की, ड्रेनेज सिस्टम की, तो ये लगभग सारे काम हमारे यहाँ हुए हैं। और आज हम ये कहने की स्थिति में है कि संगम विहार का एक भी ब्लॉक आज कच्चा नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम जो यहाँ पर रतिया मार्ग जो मेन रोड है जिसमें पानी भरता था उसकी सॉल्यूशन हो गया है, उस रोड को हमने बना दिया है। साथ ही साथ जो अंदर गलियों में भी जितना काम था वो सब लगभग यहाँ पर हुआ है
6 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे भी काम हुआ है, तो जो बेसिक जरूरतें थी वो लगभग यहाँ संगम विहार में अभी पूरी हुई है। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली की जनता को 24 घंटे 7 दिन पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे, वो पानी उपलब्ध नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली की गरीब बस्तियों के अंदर मूलभूत सुविधाएं देंगे, इन्होंने सुविधाएं नहीं दी। और उसका एक नमूना अभी आपने संगम विहार की हालत से स्वयं देख ली। आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया के विकास के दावों में कितना दम है? संगम विहार विधानसभा क्षेत्र के इसी ग्राउंड रिपोर्ट को कवर करने के लिए न्यूज नेशन की टीम वार्ड नंबर 83 पहुंची, जहां की अनधिकृत कॉलोनियों में खुदी हुई सड़कें तो दिखी, लेकिन पानी और सीवरेज सिस्टम का हाल लचर नजर आया। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए वैसे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने वादे कर रही हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने का मुद्दा भी सबसे अहम रहने वाला है। इस वक्त हम संगम विहार के वार्ड नंबर 83 में हैं और यहां की तस्वीरें देखिए, ये सारी जो कॉलोनियाँ हैं वो अनाधिकृत हैं और मोदी सरकार ने ये कमिटमेंट किया है कि इन सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उनका जीवन यापन कैसे होता है, बुनियादी सुविधाएं जो इन अनाधिकृत कॉलोनियों में होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, किस तरीके से जीवन यापन आप लोग करते हैं, क्योंकि बुनियादी सुविधाओं का यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सर नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे क्षेत्र की समस्या आपने देख ही चुकी होगी, नालियाँ इतनी बुरी स्थिति में है, गलियां देख चुके हैं, और जो पानी के टैंकर आते हैं उस पर 50 रुपये पानी के टैंकर से लिए जाते हैं एक बाल्टी भरने के लिए। आप बताइए, जो सरकार कहती थी मुफ्त पानी देंगे, ना तो वो पानी दे सकी, ना हमें अच्छी सड़कें दे सकी, ना कोई विद्यालय खोल सकी, ना कोई कॉलेज खोल सकी, यहाँ पे कुछ भी। अरविंद आपसे भी बात कर लेते हैं, आप लोग यहीं रहने वाले हैं, क्या जी ये बताइए कि क्या सोचकर इस बार वोट डालेंगे और कौन कौन सी सुविधाएं जो मौजूदा सरकार है वो आप लोगों को दे रही है? देखिए केजरीवाल में ये सुविधा है, पानी का सुविधा है, लाइट का सुविधा है, रोड का सुविधा है, शिक्षा का सुविधा है, स्कूल का सुविधा है। अभी भाई साहब बोल अभी बन रहा, अभी टेंडर पास हुआ बनेगा, अभी नहीं बनेगा, दो दिन बाद बनेगा। अभी भाई साहब बोला जी मतलब पानी खरीद के लाते हैं केजरीवाल, तो अभी फ्री की होगा पानी। आप कहाँ से लाते कहाँ से खरीद रहे उसका जवाब दीजिए, हम कहाँ से लाते हैं? आज भी पानी आया, दो दिन के बाद भी पानी तो फ्री में दे रहा है केजरीवाल। अभी अभी अगला पानी मिलता है ना, बस पानी मिलता है, लेट मिलता है। भाई अब देखिए काम हो रहा है जोर शोर से काम हो रहा है, ये जिंदगी नर्क था, यहाँ पे संगम विहार में जिंदगी नर्क था, अभी स्वर्ग बन रहा है, देख लो आप अपने नर से देख लो स्वर्ग बन रहा है यहाँ पे। आप देखिए सब गली बनते आ रही है, इसका भी नंबर आ जाएगा, ये बगल वाले में जाइए पूरा ढलिया हो गया, ये भी का देखिए काम होना शुरू है। बीते 5 साल में संगम विहार विधानसभा क्षेत्र की कितनी तस्वीर बदली, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम आगे बढ़ी तो वार्ड नंबर 83 और 84 के बीच की ये बदहाल सड़क नजर आई। बिना बरसात के ही सड़क पर जल जमाव और कीचड़ के मलबे के बीच से होकर गुजरना यहाँ के लोगों की नियति बनी हुई। संगम विहार विधानसभा का वार्ड नंबर 83 और 84 और उसके बीच की ये सड़क देखिए, अगर इस सड़क से रोज आपको आना जाना हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको किस तरीके की दिक्कतों से रूबरू होना होता होगा रोज़। अभी बरसात का सीजन नहीं है, बावजूद इसके पूरी सड़क पर कीचड़ भरा हुआ है। आप यहीं के रहने वाले हैं, आपका नाम? हमारा नाम सुरेश शर्मा है। सुरेश जी ये बताइए, आप ये जो पूरी सड़क देख रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए यहाँ का जो एमएलए है वो जिम्मेदार है, क्यों 5 साल हो गया, 5 साल में बोले थे पूरा रोड पिच एकदम पिच रोड बना के दे दूंगा, अभी आज तक तो इनका देख रहा हूँ पूरा 2 घंटा अंदर जाने में और 2 घंटा अंदर से बाहर आने में, यही है भाई, इतना ख़राब रोड है, इतना मतलब घटिया काम हो रहा है पूछो मत। आज की डेट में इसके 5 साल पहले बल्कि ठीक था, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई हुई है तब से रोड का एकदम ऐसी तैसी हुई पड़ी है। ये बताइए कि आपकी दुकान के सामने ये जो हालात है ये कब से हैं? सर पिछले 5 सालों से ऐसे ही हालात बने हुए हैं यहाँ पे। और केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे कि वो एजुकेशन में सुधार करेंगे, अच्छी सड़कें देंगे और जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को अच्छा किया जाएगा, 5 साल में कोई बदलाव हुआ? ऐसा है, वादे तो इतने किए हैं, उसका 20% भी पूरा नहीं हुआ। 3 साल हो गए इनसे सीवन नहीं पड़ा है, 3 किलोमीटर का 3 किलोमीटर सीवन नहीं पड़ सकता, मुझे दे दो मैं 6 महीने में ना सीवर डाल दूं काम। अब एक मतलब 1 महीने में सारी रोडें बनने लग गई, सारी गलियां बनने लग गई और 3 साल से इनसे सीवन नहीं पड़ा, रुलाने वाली बात है।
आए थे, राजनीति करेंगे, अच्छी राजनीति करेंगे, ये तो औरों से भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। स्थानीय विधायक प्रकाश अपने दिनेश मोहनिया जी हैं, जिन्होंने 5 साल में ये बीड़ा उठाया था केजरीवाल सरकार के माध्यम से कि हम यहाँ पे विकास कार्य करेंगे। विकास कार्य के नाम पे तो एकदम जीरो रहे, जबकि वो एक पावरफुल लीडरों में आते हैं, लेकिन आप रोड की दशा देख लीजिए, आप नालियों की दशा देख लीजिए, आप घरों की दशा देख लीजिए, सड़कों पर जल जमाव और इससे लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर विधायक दिनेश मोहनिया विकास कार्यों का हवाला देते हैं, लेकिन बीजेपी विधायक के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। क्या है कि अब अगर आपको कोई सिस्टम डेवलप करना है तो पहले उसका बेस बनाना पड़ेगा, तब उसके ऊपर डेवलपमेंट होता है। तो सारी पूरे संगम विहार का जो वेस्ट वाटर है वो इस रोड पर आता है, सारी की सारी जितना ट्रैफिक है वो इस रोड पर आता है, सारी इलेक्ट्रिसिटी केबल जो होती हैं इस रोड पर आती हैं, तो और जो पानी की सप्लाई होती है वो भी इसी पे, क्योंकि ये लाइफ लाइन है पूरे संगम विहार कंस्टिट्यूंसी की। तो इस पे हमने एक ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट किया जो करीबन 30 फुट गहरा है यहाँ पर, और करीबन 5 फुट डाया का पाइप डाला था। करीबन पिछले 3 साल से लगभग ये काम चल रहा था, अब वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद वाटर लाइन डाली है इसके ऊपर, उसके साथ साथ दोनों साइड ड्रेनेज सिस्टम के जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है वो बनी है दोनों साइड, देखेंगे आप अभी जाके तो RMC की ड्रेन बनी है। साथ ही साथ जो फ्यूचर की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको देखते हुए इसमें केबलिंग का काम पूरा दोबारे हुआ है, 7 नई केबल्स डाली गई हैं, काफ़ी कुछ काम इस पर हुआ है। लगभग 2.5-3 साल से रोड लगभग बंद होने की स्थिति में था, लेकिन आज हम इस रोड को खोल पाए हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी अनधिकृत बस्ती, संगम विहार की टूटी हुई सड़कें, सीवर का अभाव, पीने के पानी से त्रस्त और दिल्ली के गरीब लोगों के चित्रण अपने कैमरे से खुद कैद किए हैं। दिल्ली की जनता आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी के द्वारा 2013 और 2015 में किए हुए वादों से आज भी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करती है। संगम विहार के लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ता है, पानी की आपूर्ति बोरवेल के भरोसे है। आरोप तो ये भी लगे कि जल बोर्ड के पानी पर टैंकर माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, लिहाजा न्यूज नेशन की टीम ने स्थानीय लोगों से बात कर हकीकत जानने की कोशिश की। अभी बताइए, आपके घर में पीने का पानी आता है? खूब आती है, अच्छा आती है। तो सरकार की तरफ से नल में आता है या टैंकर से पानी आता है? अभी टैंकर से आ रहा है, और भी नल भी चाहिए। आप लोग बताइए। हम लोग इधर तो है नहीं पानी, वही एक नलका है तो उसी में से आता है बस। अभी जो यहाँ पर बोरवेल कराया जा रहा है, इससे पहले बोरवेल हुआ या पहला हो रहा है? एक हो चुका है, एक बोरवेल हो चुका है, लेकिन हमें तो सरकारी बोर से पानी मिल रहा है और उम्मीद है कि इसी में मिलेगा ही। तो दादी इस बार क्या सोच के वोट दोगी? ये सोच के जो हमारा काम करेगा हमारे साथ साथ चलेगा उसी के करेंगे, यही केजरीवाल है, यही व्यवस्था करेगा, सब रजिस्ट्री करा देगा तभी ना। तो लाइट वगैरह रहती है? लाइट आती है? हाँ बेटा लाइट आती है, लाइट आती है, लाइट तो रह रही है खूब। हाँ अब पानी भी नहीं था लेकिन पानी हल रहा है। तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव मिला, आपको क्या क्या सरकार की तरफ से मिला? सर बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, हमारे हिंदुस्तान में जो है इससे पहली बार हुआ है, किराया फ्री महिलाओं के लिए, इतनी सुविधा आज तक के हम लोगों को, हमारी 39 साल 40 साल तो उम्र रह गई लेकिन आज तक के ऐसी सुविधा नहीं देखी। संगम विहार के लोग चाहते हैं कि कोई भी पार्टी जीते लेकिन विकास के नाम पर सियासत बंद। इस बार मेरा फर्स्ट वोट जाएगा, अब मैं एलिजिबल हुआ हूँ वोट डालने के लिए, तो अब मैं फर्स्ट वोट डालूंगा किसी ऐसी गवर्नमेंट को जिसने हमको अंदर से मजबूत किया हो, हमारी बेसिक नीड्स प्रोवाइड करा रही हो, जो हमको फ्यूचर में भी हमको प्रोबेबिलिटी हो कि ये हमारे लिए अच्छा काम करेगी। हम काम को वोट देंगे, नाम को नहीं, काम को। तो नाम वाला कौन है? नाम वाला केजरीवाल, नाम वाला बहुत है, बाकी काम वाला केजरीवाल है, आम पार्टी को वोट देंगे। चुनाव के तो मुद्दे हर बार आते हैं, मगर हम तो देश को देखेंगे ना, तो देश के लिए तो हमारे लिए मोदी अच्छा है। यहाँ पर कच्ची कॉलोनियाँ थी, जिसको मालकाना हक नहीं मिल रहा था किसी को भी, कच्ची कॉलोनियाँ पक्की कर दी, उसके बाद काम कर रहा है मोदी बात। संगम विहार दिल्ली की सबसे बड़ी अनधिकृत कॉलोनियों में से एक है। इस विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम के 4 वार्ड आते हैं। यहाँ 80% मतदाता उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं।
संगम विहार में ओबीसी और अनुसूचित जाति के वोटर बड़ी संख्या में रहते हैं। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम और गुर्जर समुदाय के लोगों की भी अच्छी संख्या है। ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के लोग भी विधानसभा क्षेत्र में अच्छी मौजूदगी रखते हैं। संगम विहार विधानसभा सीट के सियासी इतिहास की बात करें तो साल 2002 में गठित परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद 2008 में संगम विहार विधानसभा सीट अस्तित्व में आई। 2008 में यहां पहली बार विधानसभा चुनाव कराए गए थे। उस समय यहां से बीजेपी के SCL गुप्ता ने कांग्रेस के आमोद कुमार कांत को मात दी थी। 2013 से इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। साउथ दिल्ली से आने वाले संगम विहार के सामने समस्याओं की लंबी फहरिस्त है। पानी, सड़क और सीवर से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की परेशानी है। सड़कों पर जाम की स्थिति बहुत बुरी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में पार्किंग के लिए लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। संगम विहार के लोगों को आने वाले विधायक से इन तकलीफों से निजात की उम्मीद है। अब देखना है कि वो किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं। इस चुनाव में संगम विहार की सीट पर दोबारा आम आदमी पार्टी की वापसी होगी या फिर बीजेपी या कांग्रेस बाजी मारेगी, इसका पता तो 11 फरवरी को ही चलेगा। संगम विहार विधानसभा क्षेत्र से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन।